भारती वाल्मीकि और ये मेरा समुदाय ग्राम भटेरा। यहाँ रोड के किनारे बसी वार्ड नंबर 17 की जो बस्ती है, जहाँ विश्वकर्मा आदिवासी और वंशकार समाज के लोग रहते थे, यहाँ माह अक्टूबर 2013 को जो दमोह से छतरपुर की ओर सीसी रोड जो रोड बना है, जो हाईवे रोड है, उसमें 5 नल किनारे थे रोड के जो दब चुके थे, उनमें से 2 सुधरने की स्थिति में थे, वहाँ भी पानी प्राप्त नहीं होता था। और जो सुमेर के लिए रोड गया है, जो दलित बस्ती से होके जाता है, वहाँ एक हैंडपम्प था जो सीसी रोड में दब गया था। इसी के दौरान चलते जो समस्या थी वो पानी की थी। रोड पे 5 नल थे, वो नल का क्या हुआ, कैसे वो नल आज भी बिगड़े पड़े हैं, उनकी पाइप लाइन किसी का कुछ किसी का कुछ, एक दो नल तो रोड में दब गए हैं, इसके कारण वो अभी एक वर्ष से सुधरे भी नहीं है, बंद पड़े हैं। ऐसी स्थिति है कि आप इस गांव में जो अपने निजी नल लगे हुए हैं सबके, किसानों लोगों के, हम जितने इस वार्ड में हरिजन और आदिवासी लोग रहते हैं, हम लोगों को पानी देने को लोग प्रताड़ित करते हैं कि हमारे नल का पानी मत लीजिए और जहां मिले वहां से लीजिए, तो हम लोग कहां जाएं पानी के लिए, इसलिए हमारी ना तो सरपंच सुनता है ना कोई सुनता है, पानी कहां से लाए, कहां से पानी पिए। अभी आप लोग कहां से पानी भर रहे हैं? अभी तो हम लोग बेसरमियाई से, गांव से, इधर उधर से, कहीं इधर से, ये पीछे एक गड्ढा भरवाया है हम लोगों ने, सब जनों ने मिलके, उसमें से देखिए आप कितना दूषित पानी पी रहे हैं हम ही लोग, सभी लोग। आप लोग ये पानी का किस लिए ले जा रहे हो? ले जा रहे हैं नहावे धोवे, लाइट भी नहीं है, मोटर चालू नहीं है, वही में बर्तन साफ कर ले, छंजे सो का वही पीवे के काम में आ जाए, और पानी है ही नहीं तो वही छाना छना के पिया था, वही में नहाऊ धोऊ था, वही में बर्तन साफ करा तो नहीं से छान ले तो। क्या यहाँ रोज पानी मिल जाता है आपको? दो दो दिन आवे मिला थे पानी, रोज मिला थोबे तो छनो ही ना भर ली में, जब लाइट आ गई लाइट आ गई कर दी चालू मोटर तो मिल गो पानी, नहीं मिले तो जो छान छान के पिया थे। और रोड के उस पार हमारी बेटियां भी बच्चियां भी और हमारी महिलाएं जाती हैं रोड पार करके, तो एक्सीडेंट का भी डर लगता है, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे ही मोहल्ले में एक नल उपलब्ध हो जाए ताकि हम लोगों को पानी से गुजर बसर कर सकें। इस समस्या के चलते एक साल से यहाँ बहुत ही कोशिश करने के बाद लखन पटेल जी के सहयोग में और गाँव के बड़े लोगों के सहयोग में इतना ही काम हो पाया था कि फोन पे बात होती थी, मंजूरी थी, लेकिन काम नहीं हो रहा था। फिर 9 फरवरी 2015 में यहाँ इस बस्ती में उसी कैथा के पेड़ के नीचे, जहाँ सीसी रोड गया है सुमेर के लिए जो दलित बस्ती से होके जाता है, उसी जगह पे एक हैंडपम्प का खनन हुआ। 12/2/2015 को जनवरी में वहाँ फाउंडेशन और हैंडपम्प लगाया गया, जहाँ से अब लगभग 150 लोग इसी नल से पीने का पानी प्राप्त कर रहे हैं, जिसमें नहाना धोना सभी का पानी इनको प्राप्त हो रहा है। पीएचई विभाग के अधिकारी से बात हुई आपकी? हुई थी साहब। क्या बताया था उन्होंने? उन्होंने बताया था कि अभी कोई नल नहीं है यहाँ पे, कोई इसकी योजना नहीं है। और सड़क विभाग वालों से कुछ बात हुई? सड़क विभाग वालों से भाई थी तो उनने कही जितने तुप गए हैं तो अगर कोशिश करेंगे, अगर हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो हम क्या करें। तो ये नल किसकी ओर से आया? ये आपने ही करवाया था जिसने ये वीडियो कैसेट बनाई। तो आप क्या बोलेंगे इसके लिए, ये बदलाव कैसे आया? पीएनसी विभाग के मिश्रा जी हैं, उनसे बात भई थी आरती मैडम की जी, उन्होंने बताया कि जो अपने रोड वाले हैं, रोड वालों के अधिकारियों से बात भई तो उन्होंने बताया कि ये रोड वालों की तरफ से हुआ है, जो नल टूट गए थे उसके कारण दबाव पड़ो अपने वीडियो कैसेट की, तो इसके कारण से उन्होंने दूसरा गड्ढा अगल बगल में करवाया है। आती भाई आती थी कैमरा लेके, तो गांव के लोग डरते थे थोड़े के, भाई काय के लिए आते हैं, क्या जानकारी देते हैं, सबको पानी का भी मालूम गिरा के पानी की परेशानी के लिए आते हैं। मेरे सामने सहयोग दई तो पटेल हैं, गांव बस्ती वाले हैं, इस कारण से नल हुआ है। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया था
की कोशिशों के चलते एक कोशिश मेरी भी थी, मैं भी इनके सहयोग में आना चाहती थी, सहयोग करना चाहती थी, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया था और मेरी कोशिश सफल हुई। मैं बहुत खुश हूँ और मेरे साथ इस समुदाय के लोग भी बहुत खुश हैं। इसमें जो बदलाव के लिए अधिकारी थे वो थे पीएचई विभाग के जिला अधिकारी श्रीमान अग्रवाल जी, दूसरे थे ब्लॉक अधिकारी महोदय जी मिश्रा जी। इन सभी अधिकारियों को अपना धन्यवाद दें और इस काम को सफल सहयोग बनाने के लिए मैं भी धन्यवाद करती हूँ। मैं आरती वाल्मीकि ग्राम भटेरा से इंडिया अनहर्ट के लिए।